युवाओं से अश्लील हरकत कर उनके साथ छेड़छाड़ करने वाले दो मजनूओं का जुलूस निकाला। इस दौरान मजनू कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। शहर के जीडीसी कॉलेज मजनूओं का गढ़ बन गया है। इधर पुलिस लगातार ऐसे रोड छाप मजनूओं की धरपकड़ कर रही है, लेकिन फिर भी मजनू है कि मानने को तैयार नहीं। लिहाजा अब पुलिस का दूसरा रूप देखने को मिल रहा है और पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा रहा है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि इंदौर की पुलिस का रूप है। पुलिस इन दिनों जहां कुख्यात अपराधियों को पकड़कर उनका सरेराज जुलूस निकाल रही है, वहीं अब इंदौर पुलिस ने मजनू अभियान छेड़ दिया है। दरअसल जूनी इंदौर थाना पुलिस को जीडीसी कॉलेज की कुछ छात्राओं ने शिकायत की थी कि कुछ ऑटो चालक उनके कॉलेज के बाहर खड़े होकर अश्लील हरकत करते हैं। शिकायत पर पुलिस ने सिविल ड्रेस में निगरानी करते हुए ऑटो नंबर के आधार पर मोती तबेला निवासी ऑटो चालक मोहम्मद शहीद और इशहाक को गिरफ्तार किया है और उन्हें सबक भी सिखाया है। आप खुद ही देखिए। ये जैसा कि आपके संज्ञान में है, कुछ दिनों पहले जो है कुछ बालिकाएं आई थी मेरे पास और उन्होंने बताया था कि एक युवक जो है वो स्कूटर पे अश्लील हरकतें करता है जीडीसी के पास में, और जिस पर जो है छत्रीपुरा थाने में मुकदमा कायम होकर उसको गिरफ्तार किया गया था और अभी वो जेल में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका शीघ्र निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी विवेचना के सिलसिले में ये चीज़ और संज्ञान में आई थी कि कुछ ऑटो चालक भी ऐसे हरकतें करते हैं जो जीडीसी के आसपास आकर के और अपने लड़कियों के सामने जो है अश्लील हरकतें करके भग जाते हैं। तो इसी विवेचना में जब ये नई चीज़ें सामने आई तो उसके आधार पर जो है अलग अलग समय पर अलग अलग टीमें बना करके हम लोगों ने जीडीसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है महिला पुलिस, सिविल पुलिस सब लगा रखा था। उसी बीच में जो है कल फिर कुछ बच्चियाँ जो है वो आई थी कि साहब जो है वो एक ऑटो चालक है और जो इस टाइप की हरकतें कर रहा है, और उसमें से एक बहादुर बेटी ने जो है वो उस ऑटो चालक के गाड़ी का फ़ोटो भी ले लिया था। उसके आधार पर फिर जो है वो जूनी थाने में मुकदमा कायम किया गया और उस गाड़ी चालक के नंबर के आधार पर उसको ट्रेस किया गया और उसको और उसका एक साथी जो दोनों मोती तबेला क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको दोनों को पुलिस ने ट्रेस किया और उनको अरेस्ट किया। और ये दो, ये और एक जो पुराना प्रकरण है वो छत्रीपुरा का 3, ये बहुत ही नराधम प्रकृति के लोग हैं और ऐसे लोगों पर जो है इंदौर पुलिस लगातार सख्ती से कार्रवाई करती रहेगी।